नमस्कार पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई अपने फॉलोअर्स बढ़ाने की होड़ में लगा हुआ है। और जब किसी इंसान का नाम बॉलीवुड से जुड़ जाता है तो हम भी उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को जरूर देखते हैं कि उनके फॉलोअर्स कितने हैं, सोशल मीडिया पर कितना एक्टिव है वो। लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे सितारे से करवाने जा रही हूँ। वो चमकते तो बहुत है लेकिन वो इस वाली दुनिया से थोड़ा हटके से है, और बहुत सारी फिल्मों में अपनी शानदार अदाकारी दिखाने के बाद अब जरा हटके जरा बचके में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रहे हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ पंजाब के श्री नवोदय टाइम्स में मौजूद है इनामुल हक। तो सबसे पहले उनका करते हैं स्वागत। वेलकम टू बहुत पंजाब बहुत के श्री शुक्रिया, नवोदय। बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना खूबसूरत खूबसूरत इंट्रोडक्शन आपने किया और सोशल मीडिया को इंक्लूड करके किया, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। थैंक यू जी सर, और आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है हमें। तो आपकी जी जी अदाकारी तो हम देखते हैं, आपकी एक्टिंग हर फिल्म, जितने भी आपने फिल्में की हैं सब में बहुत ही अच्छी है। तो अब जरा हटके जरा बचके में नजर आ रहे हैं आप, तो इसमें सबसे पहले आपका किरदार कैसा है उसके बारे में जानना चाहेंगे। इसमें मेरे किरदार का नाम है भगवान दास ईश्वर दास सहाय, और बहुत ही अतरंगी, फनी, लवेबल, चतुर, चालाक और कई और सारे शेड्स लिए हुए है वो कैरेक्टर। और आपको जैसा कि मेरे पिछले सारे काम में मेरे किरदार देख के मजा आया, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस बार भी आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आपके साथ इस फिल्म में सारा अली खान की कौशल है, उनके साथ वर्क एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा वो तो बता सकते हैं आप। हाँ, वो बिल्कुल बता सकता हूँ। दोनों बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत ही नेचर के, बहुत खुश मिजाज, दोस्ताना लोग हैं, और बिल्कुल नहीं लगता कि वो फैमिली फिल्मी फैमिली से आए हैं, और एकदम परिवार जैसा माहौल था सेट पे। जो निर्देशक महोदय थे लक्ष्मण उतेकर, वो भी एकदम देसी आदमी है, गाँव के जड़ों से जुड़े हुए। तो जब कैप्टन वैसी सोच वाला होता है, पूरा परिवार जुड़ के रहता है, तो हम लोगों ने बहुत मजा किया साथ में। जी, एक चीज जो आपके बारे में हर कोई वैसे तो जानना चाहता है, क्योंकि आपको इंडस्ट्री में इतने सारे साल हो चुके हैं, तकरीबन 15 साल हो चुके हैं, लेकिन फिल्में आपने जी 14 की, जी जिनमें से 2 वेब सीरीज भी हैं, दो वेब तो इतने कम सीरीज फिल्मों करने के पीछे की कोई खास वजह है या फिर यही वजह है कि सिलेक्टेड रोल्स। नहीं, बेसिकली मुझे स्टीरियोटाइप नहीं होना था। और हमारे यहाँ बॉलीवुड में एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे टाइपकास्ट कर देते हैं आपको। आप जिस तरह के एक रोल में अच्छा कर जाएं, तो आपको वैसे ही रोल की लाइन लग जाती है, और वो हुआ भी मेरे साथ। लेकिन मैंने थोड़ी दृढ़ता बनाए रखी और वो उसको लगातार मना करता रहा, जब तक कि अगला कैरेक्टर पिछले से अलग नहीं है या बेहतर नहीं है, मैंने हाँ नहीं किया। और यही वजह रही कि काम कम हुआ, और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा काम करूं। कौन नहीं चाहेगा, कौन चाहेगा घर बैठना, लेकिन उस तक अच्छा काम पहुंचे, फिर उसमें बहुत सारी चीजें, दूसरे एस्पेक्ट, स्क्रिप्ट, बजट, वो सारी चीजें वर्कआउट हो जाए, तो फिर करने में मजा आता है। ना करने के अपने कारण, अपने खामियाजे भी होते हैं जो मुझे भुगतने पड़ते हैं। कई बार नाराज हो जाते हैं लोग, ईगो पे ले लेते जी हैं, जो कि वो उनका चॉइस है, ये मेरा चॉइस है। आई रेस्पेक्ट देयर चॉइस एंड आई एक्सपेक्ट दे शुड रेस्पेक्ट माय चॉइस। तो इट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन नॉट टू डू सो मेनी फिल्म्स बिकॉज टू अवॉइड द टाइप कास्ट। अच्छा, मैं जैसे अभी आपने बताया ना कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है वो टाइपकास्ट वाला ना, तो कौन किस जी, तरह के रोल्स आपके पास फिर ज्यादा आने लग गए थे, आप शेयर करना चाहेंगे। इतना लैक ऑफ विजन है यहाँ पे कि मान लो मैंने एक इंस्पेक्टर का रोल किया, तो सारे इंस्पेक्टर के ही आएंगे, तो एक कॉमन सी बात है। लेकिन मैंने हाँ जॉली एलएलबी 2 में गेस्ट अपीरियंस किया, उसके बाद मुझे पूरे साल तक सिर्फ गेस्ट अपीरियंस के ऑफर आए कि आप गेस्ट अपीरियंस अच्छा करते हो, आप हमारी फिल्म में एक छोटा सा रोल कर दो। ये कि आप छोटे से में भी कमाल कर दोगे, वो दे आर कंसिडरिंग मी, आई थिंक आइदर इधर लक्की चार्म और समथिंग वट एवर। तो इतना लैक ऑफ विजन है कि उनको गेस्ट अपीरियंस के लिए मुझे एक साल तक अप्रोच करते रहे, जो कि मैं नहीं किया। तो इसलिए आप जी सिलेक्टेड फिल्म में। अच्छा, हाँ, मैं जॉली सिलेक्टेड एलएलबी की कर बात चली ना, तो इनफैक्ट मैं आपसे आपको बताना भी चाहती थी, आपसे जानना भी चाहती थी उसके बारे में ना। आपने बहुत सारी फिल्में, एयरलिफ्ट हो गई, नकाश हो गया, दूंगा। फिर वेब सीरीज हो गई, सब में आपके किरदार बहुत शानदार थे। लेकिन मैं अपना पर्सनल बताऊं तो जॉली एलएलबी में जो आपका छोटा सा भी जो रोल था ना, लेकिन वो इतना शानदार था, इतनी अच्छी आपकी एक्टिंग थी ना,
कि आज भी देखने के बाद भी आज दोबारा से उस फिल्म को देखें तो आपका किरदार देखने का मन तो सबका ही करता है कि उसी ने सारी फिल्म को जी ऐसे पलट दिया था और आपकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी। तो उससे जुड़ा हुआ कोई खास एक्सपीरियंस वो करने में कोई दिक्कत आई, कोई परेशानी आई, क्योंकि उसमें बहुत ही एक जो रिलीजन को लेके भी क्वेश्चंस थे, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा था वो आपका? मुझे खास दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं एक ट्रेंड एक्टर हूँ। अब मैं अपना काम जानता हूँ, कैसे किसी करेक्टर को बिल्ड करना है, कैसे अप्रोच करना है और कैसे परफॉर्म करना है, तो करते हुए मुझे उतनी दिक्कत नहीं आई। गायत्री मंत्र मुझे 8वीं क्लास में याद हो गया था। वो हमारे देश की खूबसूरती है कि आप बचपन में मेरे हिंदू दोस्त कलमा जानते थे, मैं गायत्री मंत्र जानता था। ये हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब है जो हमेशा से रही है, यही खूबसूरती है। रही बात करते तो बिल्कुल कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। करने के बाद वो बहुत ही अलग रेफरेंसेज में भी वायरल हुआ और वो इतना वायरल हुआ वो सीन कि कई बार मेरे आप देखेंगे तो उसमें मुझे मतलब इतने लोग ब्लाइंडली ट्रोल करते, उसमें गालियां भी पड़ी मुझे बहुत सारी। और तो ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। और जो उसको पॉलिटिकल सिनेरियो में ट्रोल कर रहे हैं वो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उनकी समझदारी है। मैंने एज एन एक्टर काम किया उसमें और अपना 100% दिया, लोगों को पसंद आया, मेरा काम खत्म। जी अच्छा, आप एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे राइटर भी हैं आप, है ना? तो इतना सारा आपने टैलेंट आपके अंदर भरा हुआ है, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, एक राइटर और एक्टर की फर्स्ट चॉइस, आप किस तरह की स्क्रिप्ट्स हैं जो वो लिखना पसंद करते हैं, किस तरह के जी एक्ट्स हैं जो वो आप करना ज्यादा पसंद करते हैं? मुझे लगता है कि हमारा देश इतनी विविधताओं से भरा हुआ है और इतनी कहानियां हैं हमारे पास कहने को, लेकिन हम वही घिसे पिटे फॉर्मूले वाली फिल्में बनाते हैं। सिनेमा की पावर को अंडर एस्टिमेट करते हैं। सिनेमा एक इतना स्ट्रॉन्ग वेपन है जो किसी भी देश की दशा और दिशा बदल सकता है। वेस्ट में हुआ भी है और बहुत जगहों पे हुआ भी है, हमारे यहाँ भी हुआ है। जैसे रंग दे बसंती जो एक फिल्म आई थी, उस फिल्म को देख के यूथ पूरा जोश में आ गया था। आपने देखा होगा सड़कों पे आंदोलन हो गए और तमाम तरह की चीजें हो गई क्योंकि यूथ नाराज था कि पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। तो सिनेमा में बहुत बड़ी पावर है, हम उसको एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। हम एक हीरो है, एक हीरोइन है, थोड़ी सी फाइट है, दो आइटम सॉन्ग है, ऐसे करके हम अपने रिसोर्सेज, अपने मैन पावर, अपना अपना टैलेंट सब उसमें लगा देते हैं और फिर नोट गिनते हैं। कई बार गिन पाते हैं, कई बार नहीं गिन पाते। तो मैं अगर लिखना चाहूंगा तो मैं इस देश में और तमाम तरह की कई कहानियां हैं जो कही जानी चाहिए, लेकिन हाँ वो मनोरंजक तरीके से कही जानी चाहिए, तभी लोग जाके उसको देखेंगे। वो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में या कहानी के तौर पे नहीं कही जानी चाहिए, नहीं तो लोग बैठ के किताब पढ़ लें, अखबार में हम रोज देखते ही हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फिल्मी स्टार की मैं हमेशा बात करता हूँ कि वो एक ऐसा मुद्दा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग सेम ग्राउंड शेयर करते हैं, सेम तरह का फूड, सेम तरह का कल्चर, सेम तरह के कपड़े, सेम तरह का सिनेमा देखते हैं, उनके बीच में कोई लड़ाई नहीं। आप बोलोगे ये क्या नई बात कह रहे हैं, तो बड़ा सीरियस सा बोरिंग सा टॉपिक है, लेकिन उस पे इतने एंटरटेनिंग तरीके से वो फिल्म बनी। फिल्मिस्तान के लोगों ने उस सीरियस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से लिया और बहुत, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप टॉपिक कुछ भी चुने उसका प्रेजेंटेशन बहुत लाइटली और बहुत इंटरेस्टिंग हो, ताकि लोग जो सो कॉल्ड मनोरंजन की भूख जो उनको लगता है कि ऑडियंस को, जबकि नहीं है। मेरे पर्सनल मानना माने कि हमारे यहाँ ओवर ईटिंग हो गई हो मनोरंजन की, इतना भरपूर है। आप बस में खड़े हैं तो मनोरंजन हो रहा है, कोने पे खड़े चार लोग लड़ रहे हैं तो मनोरंजन हो रहा है, मोबाइल में घुसे हैं रीले देख रहे हैं। हमारे यहाँ कोने कोने चप्पे चप्पे पे मनोरंजन है, फिर भी हम मनोरंजन के नाम बिल फाड़ते हैं कि सिनेमा में भी मनोरंजन चाहिए। हाँ मनोरंजन दीजिए, लेकिन सिनेमा की जो शक्ति है उसको भी इस्तेमाल कीजिए। एक तीर से दो निशाने साधिए, किसने रोका है? तो मैं ऐसी जी, कहानियां बनाना चाहूंगा जिसमें एक तीर से दो निशाने साधिए। और एक्ट कौन से करना चाहते हैं आप? जो एक अच्छी ये कहानी तो में पता है अच्छे कि आप किरदार हो डिफरेंट मुझे करना उस, चाहते हैं। नहीं डिफरेंट नहीं, मैं मतलब सभी तरह का कर रहा हूँ। अभी आने वाले टाइम में मैं कुछ लीड कैरेक्टर्स कर रहा हूँ, जैसे नक्काश में भी मैंने एज ए लीड किया था और अभी वो वाला स्पेस थोड़ा ओपन हो रहा है, तो कुछ ऐसी कहानियां। अभी लीड वाला सिनेरियो बदला है, मैं हीरो नहीं हूँ लेकिन मैं प्रोटेगनिस्ट हूँ में और कंटेंट हीरो है, कहानी हीरो है। तो वैसा दौर अब आ रहा है कि जहाँ आपकी शक्लें नहीं देखी जा रही है, आपकी फाइट स्किल और सिक्स पैक नहीं देखे जा रहे हैं, लेकिन हाँ कहानी ही कंटेंट ही हीरो है। तो उस तरह का सिनेमा अभी कर रहा हूँ जहाँ पे मैं प्रोटेगनिस्ट हूँ, कंटेंट हीरो है और अच्छा सिनेमा है, मनोरंजक सिनेमा अच्छा, जब हम बात करते हैं ना कि है। कंटेंट, जैसे आपने बोला कि कंटेंट ही हीरो है, तो आपको लगता है कि जो ओटीटी का दौर आया है, तो इसने इससे ज्यादा ये कंटेंट को तवज्जो मिली है, लोगों का बदला है?
क्योंकि आपने तो खुद देखो ओटीटी परिव में काम मैंने किया है। मैंने भी किया है, और परिवर्तन तो समाज का नियम है, और हर दौर में आते हैं और फिर रिपीट हो जाते हैं। फैशन का ही आप देख लीजिए ना, पहले बेल बॉटम चली थी, फिर थोड़े दिन बाद गायब हो गई थी, फिर वापस से आ गई थी। तो ये निरंतर प्रक्रिया है जो चलती रहेगी। उसके आने से सिनेमा पे टेम्परेरी फर्क जरूर पड़ता है, लेकिन सिनेमा का जो मैजिक है बड़े पर्दे पे अंधेरे बंद कमरे में फिल्म देखने का, वो रिप्लेस कोई नहीं कर पाएगा। हाँ, अच्छी चीज ये हुई है कि एक्टर्स को अब करने के लिए ज्यादा स्पेस है, ज्यादा टाइम है, ज्यादा अच्छा से कर पाते हैं, लेकिन हमारे मेकर्स क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो बेसिकली फिर सीरियल की जैसा बनाने लगे हैं। अभी सीरियल ही देखना होता तो फिर हम टीवी सीरियल ही देखते। सीरियल की अलग ऑडियंस है और सिनेमा की अलग ऑडियंस है, कुछ कॉमन भी है, लेकिन क्वालिटी अगर टीवी जैसी होगी तो फिर वापस लोग डेफिनेटली सिनेमा की तरफ मुड़ जाएंगे। अच्छा, ओटीटी और सिनेमा, आपका दोनों का एक्सपीरियंस है, तो आप सबसे बड़ा जो फर्क है दोनों में वो क्या बताएंगे? मैं सिनेमा का बंदा हूँ, मुझे सिनेमा फैसिनेट करता है, अपनी तरफ खींचता है। बड़े पर्दे पे लार्जर देन लाइफ जब अपने आप को देखते हो अच्छा लगता है, तो सिनेमा का कोई काट नहीं। सिनेमा को मैं इसलिए ज्यादा ओटीटी करता भी नहीं, और अगर मुझे अच्छा ऑफर आएगा और अच्छा रोल होगा जैसे महारानी में किया या हंसमुख में किया, तो मैं करूंगा भी। ऐसी कोई परहेज नहीं है, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ और काम ही करने आया हूँ, खाली बैठने को ही नहीं आता इस शहर में। लेकिन आपको अपनी मर्जी का काम चुनने की आजादी है, ये मेरी चॉइसेस है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, उस चीज पे मैं अडिग हूँ। तो मुझे अगर अच्छा काम आएगा तो मैं ओटीटी भी करूंगा, और नहीं आएगा तो मैं सिनेमा ही करूंगा। तो दोनों के अपने अपने नफे हैं, नुकसान है, जो अपने अपने एक अलग डिबेट का विषय है, लेकिन मुझे लगता है कि पर्सनली मुझसे पूछे तो मैं सिनेमा का बंदा हूँ। ओटीटी नहीं। ओटीटी नहीं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं करूंगा, मैंने किया भी है, अच्छा, लेकिन कुछ आएगा अगर आपने। अच्छा कंटेंट होगा तो ही करूंगा। मुझे सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जॉब की तरह जाके पैसे कमाने का उस तरह का शौक नहीं है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे मेरा संतुष्टि भी मायने रखती है मेरे बैंक बैलेंस के साथ जी अच्छा, साथ। मैं थोड़ा सा आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में बात करना चाहूंगी। जो शुरुआती आपका दौर रहा है, जो मुझे पता चला है आपके बारे में कि आपको तो एक्टिंग जी का शुरू से ही बहुत शौक था, लेकिन आपकी फैमिली ने पहले सपोर्ट नहीं किया था, बाद में सपोर्ट किया था, तो वो एक्सपीरियंस था जो अब आपको अकेले स्ट्रगल करना पड़ा था, वो कैसा था? जी वो तो हिंदुस्तान में जिस दौर में मैं एक 90s किड हूँ, जब मैं पढ़ रहा था इंटरमीडिएट में, कोई 94 95, उस दौरान एक मध्यम वर्गीय परिवार के माताओं पिताओं को एक ही चिंता होती थी, बेटा या तो डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए। तीसरा कोई जॉब ऑप्शन, जॉब परस्पेक्टिव था ही नहीं, यहाँ तक कि आर्ट साइड से पढ़ना भी नहीं, मतलब हिकारत की नजरों से ले, अरे आर्ट में पढ़ता है लड़का, पढ़ाई में कमजोर होगा। तो उस दौर में ही मेरा, मतलब मेरा ये झुकाव इस तरफ था, थिएटर की तरफ। मैं थिएटर करता था, छुप छुप के करना पड़ता था, क्योंकि घर वालों को लगता था इससे पढ़ाई पे फर्क पड़ेगा, ये क्या है, भानगिरी समथिंग समथिंग, जो सबको, तो बीइंग ए बॉय लड़कियों को तो और भी मुश्किल होता होगा, अभी भी होता है। तो मुझे तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं करता रहा, जब तक करता रहा, जब तक मतलब NSD में मेरा जब सिलेक्शन हुआ और अखबारों में छपा, क्योंकि मैं अपने शहर से इकलौता था और अपने आसपास के जिलों से भी इकलौता था, तो एक बड़ी खबर थी कि फाइनली किसी लड़के का NSD में सिलेक्शन हुआ है सहारनपुर से। तो वो खबरें छपी अखबारों में, और वो क्योंकि अखबार का दौर था, तब सोशल मीडिया नहीं था, अखबार सभी पढ़ते थे, हर घर में आता था। तो मेरे फादर को लोग रेस्पेक्ट से बोलने लगे कि अरे आपका लड़का तो सही जगह पहुंच गया, क्योंकि अखबार में आना छोटे शहर के किसी एक छोटे लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बहुत किसी, बड़ी बात है। तो बहुत बड़ी बात होती। तब मेरे फादर को लगा कि हाँ शायद सही जा रहा है, ठीक है, तब उन्होंने अलाउ किया। और उससे पहले तो मतलब मुझे थोड़ा छुप छुपा के करना पड़ता था। तो बाद में जी पेरेंट्स को बहुत प्राउड भी फील हुआ कि हमारे होता है, बच्चे ने इतना डेफिनेटली नाम। जी बिल्कुल होता है। बिल्कुल। और जी, अब अच्छा, वो जरा जहां भी हैं हटके, अब जी ऊपर बिल्कुल, से देख रहे होंगे, प्राउड फील कर रहे होंगे दोनों। वो जी तो बिल्कुल है, जब बच्चा कुछ अच्छा करता है तो पेरेंट्स को जी प्राउड तो फील होता ही होता है। अच्छा, जरा हटके, जरा बचके के बाद, अब किस तरह के आगे प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कौन सी फिल्में, कौन कौन सी सीरीज में हम आपको देखेंगे, आपका कुछ लिखा हुआ देखेंगे? लिखा हुआ मैं मेरे डायरेक्शन में ही देखेंगे, जो आने वाले कुछ साल में मैं कर रहा हूँ, और जो एकदम रिलीज के लिए तैयार है वो एक फिल्म है पिप्पा, जो राजा मेनन साहब ने डायरेक्ट की है, जिन्होंने एयरलिफ्ट की थी, और बहुत अच्छी फिल्म है, बांग्लादेश लिबरेशन के ऊपर है, और उसमें मैं एक बंगाली बंगलादेशी बंगाली बना हूँ वो है। उसके अलावा
तीन चार प्रोजेक्ट हैं जो अभी मेकिंग प्रोसेस में है, जिनमें मैं एज ए प्रोटेगनिस्ट कर रहा हूँ, हीरो नहीं, एज ए प्रोटेगनिस्ट, एज ए लीड वो कर रहा हूँ। और अब आने वाले समय में ये है कि अब थोड़ा मैंने ये डिसीजन इसीलिए लिया कि अगर मेरे टाइप का सिनेमा मुझ तक नहीं आता तो मैं क्रिएट करूंगा, तो मैं एज ए प्रोड्यूसर एक्टर भी काम कर रहा हूँ, मतलब बना भी रहा हूँ, और दूसरे जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसमें भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे बजट की अच्छी अच्छी फिल्में बनाई जाए, आगे देखा जाएगा जो होगा, अपनी जंग लड़ेंगे खुद ही। हम जी आपके साथ हैं। तो बिल्कुल, थैंक मुझे यू बहुत बहुत सो मच जरूरत सर, है थैंक यू, शुभकामनाएं, मोस्ट थैंक यू वेलकम, सो थैंक यू मच सो मच बहुत फॉर अच्छा हैविंग लगा मी आपसे ऑन बात दिस। करके, थैंक यू सो मच। जी, मुझे थैंक यू सो मच, बाय बाय।